नमस्कार, मैं विजय श्रीनागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। राज्य सरकार के अवैध शराब के विरुद्ध अभियान के तहत पुलिस व आबकारी विभाग अवैध रूप से शराब बिक्री व निर्माण में शामिल लोगों की धरपकड़ कर रही है। पिछले कुछ महीनों में भरतपुर और भिलवाड़ा में जहरीली शराब के सेवन से हुई मौतों के बाद पुलिस आबकारी विभाग लगातार अवैध जहरीली शराब बेचने वालों की गिरफ्तारी में लगा हुआ है। आपको बता दें कि अवैध शराब के विरुद्ध अभियान के तहत पुलिस व आबकारी विभाग की टीम ने कार्यवाही कर 16 दिन में डूंगरपुर जिले में 36,420 लीटर महुआ वॉश नष्ट किया है। साथ ही 77 शराब निर्माण की भट्टियां भी तोड़ी गई हैं। आपको बता दें कि डूंगरपुर पुलिस व आबकारी विभाग की जांच में हथकड़ शराब की 1169 बोतलें मिली, साथ ही बियर की 146 बोतलों के साथ दो चौपहिया वाहन भी गिरफ्त में लिए हैं। गौरतलब है कि अभियान के 17 दिन में ही पुलिस व आबकारी विभाग की टीम ने 160 जगह पर दबिश देकर 97 मुकदमे दर्ज किए, साथ ही अब तक 78 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। उल्लेखनीय है कि 16 जनवरी से चल रहे अवैध शराब के विरुद्ध इस अभियान में पुलिस व आबकारी विभाग की सक्रियता से लगातार कार्रवाई जारी है और आने वाले वक्त में भी अवैध शराब बेचने व निर्माण करने में शामिल आरोपियों को हिरासत में लिया जाएगा। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।